अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बी ए इंग्लिश की कुछ मज़ीद करेक्शन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो लेक्चर को पसंद करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जी आज का वीडियो लेक्चर। इसमें जो सेंटेंस नंबर वन है वो है, वी सॉ अट्रैक्टिव सीनरीज इन मरी। तो स्टूडेंट, इस सेंटेंस में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि सीनरी का प्लूरल भी सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता। लिहाजा इसका जो सही सेंटेंस होगा, यानी कि जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, वी सॉ अट्रैक्टिव सीनरी इन मरी। सेंटेंस नंबर जो टू है वो है, हिज फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग टू परफॉर्म उमरा। तो इसमें जो गलती है वो फैमिली मेम्बर्स में है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फैमिली मेम्बर्स नहीं होता, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली होता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, हिज मेम्बर्स ऑफ द फैमिली आर गोइंग टू परफॉर्म उमरा। इस तरह सेंटेंस नंबर थ्री है वो है, ही हैज़ नॉट पार्ट अ सीज़र। याद रखिएगा, सीज़र जो है ये कैंची की एक परत को बोलते हैं, तो सीज़र नहीं होता, सीज़र्स होता है। और इस तरह इसका सही जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, ही हैज़ नॉट बॉट अ पेयर ऑफ सीज़र्स, अ पेयर ऑफ सीज़र्स। सेंटेंस नंबर फोर है, द जेंट्री ऑफ द टाउन, यानी जो उस इलाके के शरीफ लोग थे, शुरफा थे, वॉज प्रेजेंट टू हेल हिम, वो वहाँ पे मौजूद थे उसको खुश आमदीद कहने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो वर्ड जेंट्री है, डैट इज़ ऑलवेज प्लूरल। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द जेंट्री ऑफ द टाउन वर प्रेजेंट टू हेल हिम। सेंटेंस नंबर जो फाइव है वो है, आई सॉ थ्री फीमेल्स एट द पार्टी। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, मेल और फीमेल जो होता है वो सिर्फ जेंडर को शो करता है। अगर आपने इनका मसलन क्वांटिटी का इजहार करना हो तो उसमें फिर आप मेल और फीमेल जो है वो नहीं लगा सकते, तो उसमें फिर आपको मैन या वीमेन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह सेंटेंस नंबर फाइव जो है वो करेक्ट कुछ यूँ होगा, आई सॉ थ्री वीमेन एट द पार्टी, या थ्री लेडीज एट द पार्टी। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर सिक्स जो है वो है, क्लॉथ इज सोल्ड बाई द यार्ड्स। तो क्लॉथ इज नॉट सोल्ड बाई द यार्ड्स बट बाई द यार्ड, सिर्फ एस जो है ये आपने काट देना है। तो सही सेंटेंस होगा, क्लॉथ इज सोल्ड बाई द यार्ड। अच्छा जी, उसके बाद सेंटेंस नंबर सेवन है, ही हैज़ बिन वर्किंग हार्डली फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस, यानी अपनी शानदार कामयाबी के लिए वो कहना ये चाह रहा है कि वो बहुत मेहनत करता रहा है। लेकिन हार्डली का मतलब होता है कि उसने मेहनत की ही नहीं है, यानी बामुश्किल कोई काम करना, बामुश्किल कोई काम करना। तो लिहाजा यहाँ पे लगेगा, ही हैज़ बिन वर्किंग हार्ड। तो इस सेंटेंस की जो करेक्शन है वो है, ही हैज़ बिन वर्किंग हार्ड फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। सेंटेंस नंबर एट जो है वो है, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। डियर स्टूडेंट, स्वीटली नहीं होता, स्वीट होता है, क्योंकि स्वीट का एडवर्ब भी स्वीट ही होता है, स्वीटली नहीं होता। तो सही सेंटेंस होगा, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट।
सेंटेंस नंबर नाइन है दीज ऑल मैन आर पुअर। दीज ऑल नहीं होता, ऑल दीज होता है। तो इसका सही करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल दीज मैन आर पुअर। इस तरह हमारा जो लास्ट नंबर 10 पे सेंटेंस है वो है ओपन योर बुक एट 10 पेज। तो थोड़ी सी तरतीब लगा लें, एट 10 पेज नहीं होगा, एट पेज 10। तो करेक्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक एट पेज 10। इसके साथ इशा है भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।